टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ग्वार फली। ये ग्वार फली और आलू एक मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये दो टमाटर पतले कटे हुए हैं। ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, इसमें मैंने लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। गैस फ्लेम ऑन करके दही चढ़ा दी इसमें। लहसुन मिर्ची का जो मैंने लहसुन मिर्ची का पेस्ट पहले से ही बना के रखा था वो ऑयल में डाल दिया। अच्छे से भून रही हूँ फ्रेंड्स। अब हो चुका है, अदरक मिर्ची अच्छे से पक चुकी है। अब हम टमाटर डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया अच्छे से उसको कर। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। ये मिर्ची हम डाल चुके हैं और ये धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची। अब हम इसको अच्छे से घुमा के अच्छे से भून लेंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बनाई थी उसका पानी हमने इसमें डाल दिया जो हमने मिक्सी में डाल के रखा था। अब हम इसको ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए स्लो पे पकने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब टमाटर पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें आलू बॉयल और ग्वार फली डाल देंगे अच्छे से। देखिए मिक्स कर देते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप सब लोग। देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया अच्छी लग रही है। इसको कुछ सेकंड के लिए थोड़ा ढक के रखेंगे, स्लो आंच पे ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये हमने स्लो पे रखी थी। अच्छे से कलर निखरा है। ये हम थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निशिंग करेंगे प्लेटिंग। देखिए फ्रेंड्स एकदम खाने के लिए तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी सब्जी। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।